girl, how are you? आप आज कैसे हैं? मजा आ रहा है butterfly and train से? मजा आ रहा है? Very good, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. Butterfly आती है और उनसे उनके friends से मिलते हैं. चलें, आज look at the board. हमने picture comprehension करनी है, मगर इसमें थोड़ी सी आप गौर से picture देखें. So, boys and girls, look at the board, please. Look at the board. Thank you. Oh, look. A crow. A crow is on the branch. A crow is sitting on the branch. And look. We can see camel. We can see a camel with a caterpillar on his back. And there is a cake with carrots and four candles on the cake with little carrots all around. Let's see. Oh, I can see a little bear cub. Next to him is a crab. Oh, and look at the greedy little cat. The cat. जुबान निकाल रही है. केक सारा मैं खा जाऊंगी. How greedy. बदनियत बन रही है. And look, एक और छोटा सा crab. Now, let's see again. ये जो हमारा crow है, crow, कहां बैठा हुआ है? ट्री की ब्रांच पे बैठा है. दरख्त की टहनी पे. पर्च्ड ऑन द ब्रांच. वेरी गुड. ये कौवा आपको क्या लगता है? क्रो कैटरपिलर से बातें कर रहा है या कैमल से? गुड, कैमल से बातें कर रहा है. ये क्या कह रहा होगा कैमल से? Very good. आपको क्या लग रहा है? Oh, अच्छा. आयशा कह रही है कि क्रो कैमल से पूछ रहे हैं, ये किसकी बर्थडे है? ये किसका केक है? मैं भी खा सकता हूं? Very good. लेकिन ये पिक्चर जो है ना, इसमें कितनी चीजें हैं. कैसे? फिर से देखें. Crow, camel, caterpillar, crab, cub, cat, cake. और ये कौन सा केक है? कैरेट केक विथ कैंडल्स. वेरी गुड. नाउ चिल्ड्रन, आप मुझे बताएं कि कैटरपिलर क्यों बैठा हुआ है कैमल की बैक पे? क्यों? Very good, Zainab. Very good. Zainab कह रही है caterpillar camel की back पे इसलिए बैठा हुआ है, neck पे, कि वो बहुत छोटा है, तो वो कैसे देखता है ये सारी चीजें? Very good, Zainab. Good thinking. अच्छा, अब कोई मुझे बताए अहमद के बारे में.
अहमद क्या कह रहे हैं बताइए। चलें, अहमद भी सोच रहे हैं कि मैं ये केक किसके साथ शेयर करूं और कौन से फ्रेंड्स हैं। चल, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? आपको मैं बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अहमद एंड आउल डिसाइडेड टू गो टू अ पार्क। अहमद वो जो बच्चा है और आउल, उन्होंने सोचा कि हम आज पार्क चलते हैं। दे आस्क्ड कैट एंड क्रो टू जॉइन देम। उन्होंने पूछा कैट और क्रो से, तुम दोनों हमारे साथ चलना चाहोगे? कैमल सेड, आई वॉन्ट टू गो एज वेल। कैमल ने कहा, मैं भी जाना चाहता हूं आपके साथ। सो द फाइव लेफ्ट फॉर द पार्क। फिर वो पांचों दोस्त चले गए पार्क में। ऑन देयर वे दे मेट कैटरपिलर। जब वो जा रहे थे ना रास्ते में, तो उनको कैटरपिलर नजर आया। कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कहा, मैं भी पार्क जाऊंगी मगर मैं बहुत छोटी सी हूँ, मैं कैसे जाऊं? मैं तो चल भी नहीं सकती इतनी जल्दी। कैमो ने कहा, मेरे ही गर्दन पे आ जाओ, मैं ले चलता हूँ। सो द कैटरपिलर हॉप्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमो। क्योंकि कैटरपिलर इतना छोटा था ना, तो उसने कहा इतना वक्त लग जाएगा मुझे जाने में, तो वो कूद के कैमल की बैक पे बैठ गया। जैसे उस पिक्चर में देखा था ना, जैनब ने कहा था वो इसलिए वहाँ कैमल की बैक पे बैठा हुआ है कि वो देखे केक को और सारी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे। सो इन द पार्क दे मेट लायन कब। पार्क में लायन कब मिला और वो कलरिंग कर रहा था। कैट दौड़ना चाह रही थी, आई वॉन्ट टू रेस फर्स्ट। सो ऑल द फ्रेंड्स हैड अ रेस। सारे फ्रेंड्स ने दौड़ना किया, दौड़े। फिर उन्होंने बहुत खूबसूरत पिक्चर्स कलर की, जो कि फूलों की, दरख की, सब चीज़ें। पता क्या, जब ये सब कर रहे थे, एक क्रैब था, उसने देखा नए फ्रेंड्स आए हैं, भाई मैं भी कुछ करूँगा। मामा के पास गया अपने और उसने कहा, मामा मामा प्लीज बेक अ कैरेट केक, आई वॉन्ट टू शेयर विद माई न्यू फ्रेंड्स। मामा ने कैरेट केक बनाया और फिर क्रैब ने वो शेयर किया। And they had a very nice party. Did you enjoy the story? आपको कहानी अच्छी लगी और सुनना चाहेंगे? चलो, इसको अगर दोबारा सुनना है, दोबारा वीडियो लगाएं और ये फिर से सुनें। Thank you. Allah Hafiz.